हेलो दगड़ियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, पलाग अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल में मैं बिरुड़थवाल देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन वादियों में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यार दोस्तों, आज की व्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है शाम से और भाई आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। तो यार दोस्तों, आज की व्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं और मैं कहां जा रहा हूं तैयार होके वो सब भी आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं ब्लॉग में आगे। तो अपनी लग्जरी गाड़ी निकाल दी है दाजू ने, ये भाई जबरदस्त तरीके से। तो चलो अब फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं एक बार, फिर जाके आगे बताता हूँ क्या है सीन करके। तो चलो बैठते हैं गाड़ी में। चलो हाँ खोलता हूँ। ये को समझ में नहीं आया, कार जैसे नहीं लग रहा है दिमाग में, क्या हो गया? तो चलो सफर शुरू हो चुका है, तो अब बात करते हैं आप हम कहाँ जा रहे करके। तो दाजू हमारे उस्ताद रहेंगे आज के, जो कि हमें मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो भैया आज हम जाने वाले हैं बागेश्वर, और बागेश्वर हम क्यों जा रहे हैं दाजू? बागेश्वर पंडित जी को लाने। हाँ, जैसा कि आपको आप पहले ब्लॉग में पता चल गया होगा कि हमारे मंदिर देवी मंदिर में भागवत होने वाले हैं, तो उसी सिलसिले पे हम आचार्य जी को लेने के लिए जा रहे हैं, शास्त्री जी को लेने के लिए जा रहे हैं बागेश्वर, और उनसे भी आपको मिलवाया जाएगा। तो चलो बागेश्वर की ओर चलते हैं। तो भैया भूल भी सर, जिसे भी कार्ड ना मिले हो ना, वो 18 अप्रैल को परायण है, वो भी जरूर आइए। और क्या बोलते हैं उसको, परायण में भंडारे का आयोजन भी होगा, तो उसमें अपनी उपस्थिति जरूर दें। और जो भी मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आप भी आ सकते हो, संभावनाएं हैं, तो जरूर आइए और आपका स्वागत हम करेंगे, क्यों राजू? तो चलो चलते हैं। अभी हम पिथौरागढ़ की सीमा को समाप्त करते हुए अब जा रहे हैं भैया बागेश्वर की सीमा की ओर, और ये रहा पूर्वी रामगंगा, जो कि हमारे दो डिस्ट्रिक्टों को अलग करती है, पिथौरागढ़ और कौन सा, बागेश्वर। तो चलो बागेश्वर पहुंच गए भैया हम, और ये रहा बागेश्वर से पिथौरागढ़ का नजारा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो हिंदू नववर्ष की आपको सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। तो भैया कल हम बागेश्वर पहुंच गए थे, तो रात्रि हमें बहुत हो चुकी थी, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाया, और गुरुजी के घर पे जाके हम रुक गए थे, और काफ़ी बढ़िया तरीके से आदर सत्कार किया गया और भोजन बहुत प्यार से खिलाया, जो कि हमें बहुत ही आनंदमय लगा। तो अभी सुबह सुबह का समय है, सुबह के बजे हैं 5, तो हिंदू नववर्ष है जैसे कि, और उसी उपलक्ष्य में हम सौभाग्य से बागेश्वर में भी हैं। और सुबह सुबह भैया अब होने वाली है हमारी, क्या होने वाली है बताओ? अभी हम हमारे सौभाग्य से ही आज हम बागेश्वर में है, बागनाथ की नगरी बागेश्वर में है, और आज नया संवत्सर भी है, हिंदू नववर्ष का पहला दिन है, तो आज हम सरयू में स्नान करेंगे, वो भी बागनाथ जी के ठीक सामने पे भाई। हाँ। दर्शनों के साथ, उसके बाद दर्शन करेंगे, पहले नहाएंगे फिर जी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो सुबह सुबह नए साल में भैया भोलेनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे, और आप लोगों को भी दर्शन कराने की जरूर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं सरयू तट पे, और बढ़िया करके जबरदस्त तरीके से हम नहाएंगे, डुबकियाँ लगाएंगे, और आप लोगों को भी चॉप कराएंगे सबसे पहले, ठीक है? अभी हम पहुंचने वाले हैं सरयू जी के तट पे, और ठीक सामने देखो भाई, ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है, और यहाँ पर से लोकेशन भी बहुत ही खूबसूरत सा है, और वहाँ पे भाई बना रखा है आई लव बागेश्वर, और ठीक सामने है बागनाथ जी का बहुत ही पुराना खूबसूरत भव्य मंदिर। तो चलो सबसे पहले आपको नहलाते हैं। सुबह के बजे हैं 5, और इसके बाद हम सरयू में नहाएंगे। ये तो चित्रकारी भी मस्त, ये दीवारों में देखो ये, वाह, ये उत्तरायण के टाइम में क्या होगा ना, ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और अब हम जाएंगे भैया पुल पार, वाह, और ये देखो भाई, आई लव बागेश्वर, वी लव बागेश्वर लगभग है। ये तो ज़बरदस्त, और ठीक हमारे नीचे है माँ सरयू, ये देखो भाई ज़बरदस्त तरीके से, बहुत खूबसूरत। लेकिन अन्यारपट अन्यारपट से है, तो इसमें कोई दिक्कत मत लेना है। तो
तो चलो नहलाते हैं आपको। हर हर महादेव। अलि उनीलाई हेरौँ पानी भर्ने के ना है? चलो तो भाई अभी हम हैं सरयू के तट पे और यहाँ पहले से ही श्रद्धालु लोग जबरदस्त तरीके से गंगा स्नान अभी कर रहे हैं। तो अब चलो भैया इसके बाद हमारी बारी। वाह, हर हर गंगे। तो भैया आज पहली बार मुझे सरयू नदी पे नहाने का सौभाग्य मिला है और दादी ने तो पता नहीं कितनी बार डुबकियां लगाई होंगी यहाँ। नहीं नहीं, मैं भी पहली बार। हाँ, बधाइयां बहुत बहुत। डुबकी लगाई है लेकिन नए समस्वर के नए साल में नहीं लगाई है, तो ये सौभाग्य भाई आज मिल चुका है। तो चलो डुबकी लगाते हैं। तो सबसे पहले दाजू नहाएंगे और डुबकियां मारेंगे ठंडे ठंडे पानी में। ओम गंगे। ओए होए होए, बस 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 बस। वाह वाह, एक बार और पांच डुबकियां लगातार। एक एक और, एक एक और, एक और, पांच डुबकियां, पांच डुबकियां लगातार। वाह, तीन। चलो बढ़िया, एक भाभी के नाम पे। एक भाभी के नाम पे दाजू, एक भाभी के नाम पे। चलो बढ़िया, दाजी के ने तो लगा दिया भैया डुबकी। अब बारी है मेरी। ठंडा मैया का पानी डुबकी लगाने तो लगता हुआ। हाँ, तो हम भी बारी। तो यहाँ भी नहा और अब हम भी नहाएंगे भैया ठंडे ठंडे पानी से। चार पांच डुबकियां हम भी मार देते हैं। जय हो। ओए डुबकी मर गई पहले ही। पहले डुबकी मर गई। हाँ तो भैया ठंडे ठंडे पानी से। कले मारे डुबकी। हाँ यहाँ पे ठीक है। एक दो तीन, अरे ओ गई। एक दस डुबकी। हाँ ना, वाटर प्रूफ होता है ना ये। दो, तो जबरदस्त तरीके से डुबकियां मार दी है एक सभी भक्तजनों के लिए। आहा, ये वाला। आ गंगे। तो चलो जबरदस्त मजा आ गया है। अब भैया मंदिर दर्शन करते हैं। वाह। तो भैया नहाना धोना हो चुका है, अब भरते हैं भैया सरयू नदी का गंगा जल। ठीक है, घर के लिए भी, घर वालों को भी पवित्र करना जरूरी है। क्यों दाजी? बिल्कुल। चलो भरे फिर पानी। भरे पानी। तो चलो पानी भरते हैं बिस्लरी वाली बोतल पे। तो भैया नहा धोने के बाद अब चल रहे हैं हम मंदिर परिसर की ओर और आपको भैया भगवान बागनाथ जी के दर्शन कराते हैं। और ठीक मेरे पीछे देखो महादेव की खूबसूरत सी मूर्ति भी बनी है, ये देखिए भाई। तो ये है बागेश्वर सुबह सुबह का नज़ारा और नहा धोने के बाद हम मंदिर दर्शनों के लिए जा रहे हैं। क्यों राजू? हर हर महादेव। तो चलो महादेव जी के दर्शन के लिए। ऊपर से जाते ना, ऊपर से आओ। है ऊपर से नीचे को आएंगे ना। चलो जूते ही रख देते हैं यहाँ उपजे में। या तो चलो आपको दर्शन करा दे सबसे। फाइनली भोलेनाथ के दर्शन भी हो चुके हैं और आशा करता हूं कि आप लोगों ने दर्शन भी किए होंगे और इसके बाद आप नंदी महाराज के दर्शन भी कीजिए। जय हो भगवान भोलेनाथ, जय नंदी महाराज। तो कुछ इस तरीके से है खूबसूरत सा मंदिर। हर महादेव। तो भैया बागनाथ जी के बाद अब बाणेश्वर महाराज जी के भी दर्शन कर लेंगे हम। जय बाणेश्वर महाराज जी की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हो प्रभु। जय हो प्रभु।
तो भैया भोलेनाथ के दर्शन भी हो चुके हैं और ये देखो उजाले पे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं मंदिर मूर्ति है। वहाँ पे बनवाना है एक वाटरफॉल पे वाटरफॉल पे तो अच्छा लगे बढ़िया सा करके कभी तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जय हो प्रभु, आशीर्वाद भी दे रहे हैं भगवान जी। हर हर महादेव। तो यार भैया चलो अब दर्शन वगैरह भी हो चुके हैं, अब चलते हैं गुरुजी के घर। कल मैंने आपको गुरुजी से मिलाया नहीं था तो आज आपको गुरुजी से भी मिलवाएंगे। और अभी हम जा रहे भैया पुल पे और ये है सरयू जहाँ पे बागनाथ जी विराजमान है और यहीं पे गोमती नदी का भी संगम होता है और ठीक ऊपर से आ रही है माँ सरयू। और ये देखो भाई काफ़ी श्रद्धालु लोग अभी भी आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और गंगा जल लेके मंदिर पे जा रहे हैं। और तो चलो अब चलते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।